क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? आर्यन को कुछ ना काम करेंगे। कोई नहीं बहन, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया है, जिसमें शामिल है टिकटॉक भी। तो दोस्तों, जैसे ही टिकटॉक बैन होने की खबर चली, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली इंडिया से टिकटॉक नाम की बीमारी खत्म हो रही है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ टिकटॉक चलाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक पर ही दिन भर नाचा करते थे, उन लोगों के भी रिएक्शन आना चालू हुए और उन लोगों का कहना है कि टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए। जिसमें से एक लड़की ने ये वीडियो डाला। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे, टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं ना, टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर, तो व्हाट इज दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग है जो वो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस वीडियो में आप सुन सकते हो कि इस लड़के का कहना है कि जिस तरह चाइनीज ऐप को बंद कर रहे हैं, उसी तरह आपके घर में जो चाइनीज सामान है उसे भी आप घर से निकाल फेंको। तो सबसे पहले तो हम इस लड़की को बता दें कि जो चाइनीज सामान हमारे घर में है वो हम पहले से खरीद चुके हैं, यानी कि वो सामान अब हमारा हो चुका है। अब हम उस सामान को तोड़े या फोड़े या फेंके, इससे चाइनीज गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टिकटॉक बंद होता है तो उससे चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चाइनीज गवर्नमेंट हमसे कमा नहीं पाएगी। वहीं इस लड़की ने अपने इस वीडियो में एक और बात बताई कि अगर इंडिया में टिकटॉक बैन होगा तो जितने भी टिकटॉक चलाने वाले बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो इंडिया छोड़कर विदेश चले जाएंगे और वहां जाके वीडियो बनाएंगे। तो आपको यही कहूंगा कि आप चले जाओ, आपके जाने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जैसे टिकटॉक बनाने वाले इंडिया छोड़ते भी है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप गलतफहमी में हो कि आपके चले जाने से इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जनता को कोई फर्क पड़ेगा। वही दोस्तों, एक और भाई है जो कि टिकटॉक पर ज्यादातर गूगल की कॉपी करी हुई साइरिया बोलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक वीडियो बनाया और वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं। जो लोग टिकटॉक के बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें बता दूं कि 100 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स टिकटॉक ने डोनेट किए थे इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जिस तरीके से कोई धर्म बुरा नहीं होता ना, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म भी बुरा नहीं होता। तो इनके हिसाब से कहना है कि भैया टिकटॉक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दिया था। तो भैया दान दिया तो इसका क्या मतलब, टिकटॉक ने इंडिया में कमाए भी कितने, अब इंडिया में इतनी कमाई करने के बाद अगर टिकटॉक ने थोड़ा बहुत दान दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि टिकटॉक को हम सर पे बिठा ले और टिकटॉक ऐप को इंडिया में रहने दे, जिसके चलते हमारे इंडिया का कल्चर खराब हो, इंडिया के जो नए बच्चे हैं उनका दिमाग खराब हो। तो भैया दान अपनी जगह है, क्योंकि टिकटॉक ने पहले ही इंडिया से बहुत कमा लिया था थोड़ा बहुत दान देकर, टिकटॉक ने कोई इंडिया पे एहसान नहीं किया। वही भाई साहब का कहना है कि जिस तरह से हर धर्म खराब नहीं होता उसी तरह से हर कोई प्लेटफॉर्म भी खराब नहीं होता। तो भाई पहले तो बता दूं कि धर्म बहुत बड़ी चीज है, उसे आप टिकटॉक जैसे घटिया चीज से कंपेयर मत करिए। धर्म हर कोई अच्छा होता है, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, सभी धर्म हमें शांति की राह सिखाते हैं। लेकिन टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जहाँ पे लड़कियां वल्गर चीजें दिखाती है, बच्चे उल्टे सीधे काम करते हैं, रेप को बढ़ावा देते हैं, तुम्हारे टिकटॉक ऐप पर एसिड फेंकने को भी गेम बताते हैं। तो भाई आप धर्म और टिकटॉक को अलग अलग रखिए, हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं लेकिन टिकटॉक एक बीमारी है जिसका बंद होना तो पहले से ही तय था। हालांकि थोड़ा लेट बंद हुआ टिकटॉक लेकिन फाइनली हो चुका है। तो दोस्तों यही कहना है मेरा कि टिकटॉक वाले जितने भी हैं अब आपको अलग अलग फैक्ट बताएंगे कि टिकटॉक को बंद नहीं करना चाहिए, टिकटॉक से ये फायदा है वो फायदा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि टिकटॉक से कोई फायदा नहीं है। टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ बच्चों का दिमाग खराब करने वाली चीज है, जहां पे आजकल के बच्चे थोड़े से व्यूज और लाइक्स के लिए नंगेपन पे उतर आए हैं। तो टिकटॉक बंद होना काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, टिकटॉक बंद होना सही है या गलत, अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।